सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे हम लोग। चलो क्वेश्चन देखो, इस तरह से एक रॉड है और इस रॉड पे एक स्ट्रिंग ऐसे, मतलब दो स्ट्रिंग से, उन स्ट्रिंग से एक मास इस तरह से अटैच है और इसको ओमेगा वेलोसिटी से हम रोटेट कर रहे हैं रॉड को। ठीक, इस तरह से घूम रहा है ये सर्कुलर पाथ पे। डिस्टेंस हमको दे रखी है, ये दोनों पॉइंट है जो इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर। ये डिस्टेंस है 8 मीटर, स्ट्रिंग की लेंथ है 5 मीटर, इस वाले की भी लेंथ है 5 मीटर, और ये जो मास है एम, मान लो ये जो मास है, सॉरी एम, एम की वैल्यू भी गिवन है हमको 4 kg, इसका मास है 4 kg। अच्छा, ये दोनों जो स्ट्रिंग है जब ये रोटेट करेगा तो दोनों स्ट्रिंग पे टेंशन सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग 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 होगी। अलग सेम होगा सर, नहीं, अलग अलग होगा बेटा। ऊपर वाले पे ज्यादा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पे टेंशन T1, T1 हमें गिवन है 200 न्यूटन, और नीचे वाले पे T2, इस T2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, इफ पार्टिकल इज टाइड विथ टू स्ट्रिंग्स, फाइंड T2। रुको, पार्टिकल इज टाइड विथ टू स्ट्रिंग्स एंड रोटेटेड विथ कॉन्स्टेंट ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है इसकी, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड T2, T2 कितना होगा एंड इसका ओमेगा कितना होगा, ये फाइंड करना है मुझे। ठीक है, सॉल्व करो इसको, इक्वेशन बनाओ टेंशन की, इक्वेट करो T1 T2 cos थीटा, जो भी करते हो आप। आपको वैल्यू पता है 4 मीटर, ये 8 मीटर है, ये 4 हो जाएगा, यहां से आपकी रेडियस भी निकल जाएगी। ठीक है, T2 और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो देखो, अब कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो यहां पर टेंशन के कंपोनेंट देखो, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, तो ये 5 है 4, और ये कितना 3 मीटर। ठीक है, 3 5 4, याद है आपको राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 53। ये वाला एंगल भी 53 होगा। सिमिलरली तो ये T1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा दैट इज T2 साइन 53, और सॉरी T2 नहीं, T1 आएगा, और T2 का एक कंपोनेंट नीचे जाएगा दैट इज T2 साइन 53। T2 का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? T1 cos 53, और T2 का कंपोनेंट T2 cos 53 प्लस इसका mg भी नीचे लग रहा होगा। अभी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये वर्टिकल वाले जो फोर्सेस है ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी।
T1 साइन 53 किसके बराबर होगा? T2 साइन 53 प्लस mg के, ठीक है? हमने जब कॉनिकल वो वाला क्वेश्चन किया था, पेंडुलम वाला, तो हमें दो इक्वेशन बनानी होती थी, एक तो सर्कुलर मोशन वाले प्लेन पर और एक उसके परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वाला इक्वेशन है, प्लेन के परपेंडिकुलर। साइन 53 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। T1 की वैल्यू मुझे पता ही है, T1 कितना है? 200 गिवन था ये। T2 इंटू 4/5, मास कितना है? 4 kg, तो 4 × g दैट इज 40 हो जाएगा इधर। 5 × 5 = 20, 4 × 16 = 160 - 40 4/5 T2। तो T2 हो जाएगा आपका 160 - 40, कितना हो गया? 120 × 5/4, 4 × 3 = 12, तो कितना है? 5 × 3 = 15, 150 newton। तो टेंशन आ जाएगी कितनी? T2 आ जाएगा आपका 150 newton, ठीक। अब हम निकालेंगे ओमेगा। हाँ बेटा सर, सर ओमेगा मेरा रूट अंडर 35/2 रेडियंस पर सेकंड है। हाँ वेरी गुड, यही होगा, ठीक है, यही होगा। अब देखो ओमेगा कैसे निकाले, तो ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पे? टेंशन के कंपोनेंट, टेंशन कंपोनेंट T1 cos 53 और T2 cos 53, ये किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स FC किसके बराबर होगा? T1 cos 53 प्लस T2 cos 53। T1 T2 की वैल्यू पता है मुझे, FC सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv2/r। यहाँ पे हमें ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा की टर्म्स में निकालो तो m ओमेगा स्क्वायर इनटू r होता है, दिस इज आल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स। T1 की वैल्यू 200 cos 53 3/5, T2 की वैल्यू हमने निकाली अभी 150 आई थी, cos 53 3/5, मास कितना है? 4 kg, 4 ओमेगा स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस मैंने बताया 3 meter आ जाएगा इसका रेडियस, तो 3 meter कैंसिल करो, 5 × 4 = 20, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 120, 3 × 3 = 9, That is 90। तो कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 210 × 4 / 3, तो 3 × 7 = 21, ये होगा 35, इधर जाएगा 2, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 35√35/2 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होती है ओमेगा। फाइनली आपका ये आंसर आएगा। आया बेटा समझ में? क्योंकि इसमें एनएलएम वगैरह भी आपका यूज में आएगा, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी वगैरह, तो वो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन VCM, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मतलब पार्टिकल क्या होगा? सर्कुल ऐसे वर्टिकल में सर्कल करेगा, ठीक है। तो पहला हम लोग लेते हैं बॉब प्लस स्प्रिंग का सिस्टम, इसमें अलग अलग
सिस्टम लेंगे, पहले हम ले रहे हैं बॉब और स्ट्रिंग। इस तरह से एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में यहां पे क्या लग रहा है, एक बॉब जिसका मास है एम, ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है इस तरह से। स्ट्रिंग की लेंथ ले लो एल, ठीक है, इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। अलग अलग पॉइंट लेता है, ये पॉइंट है ए, ये जब यहां पे पहुंचेगा तो ये पॉइंट हो गया बी, यहां पे पहुंचेगा जब बिल्कुल वर्टिकली टॉप पर पहुंचेगा यहां पर, ये पॉइंट सी, और ये वाला पॉइंट आपका डी, ठीक है। तो इस तरह से पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इसको मैंने यहां पर वेलोसिटी दूंगा कुछ, तो पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा। तो देखो इसमें हम किस किस का यूज करेंगे, हमें जैसे कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें इसकी कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए, टॉप पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, यहां पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो सब चीजें फाइंड करनी हमको, कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे। कम दूंगा तो ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो कम से कम कितनी दें कि सर्कुलर मोशन कर जाए वो निकालेंगे हम, टॉप पर इसकी स्पीड क्या होगी, टेंशन क्या होगा, वो सारी चीजें निकालेंगे। तो देखो इसमें दो चीज का यूज करेंगे, एक तो फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, फोर्स को बैलेंस करेंगे, एक तो फोर्स की इक्वेशन बनाएंगे, दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो इसको मैंने यहां पे वेलोसिटी दी, ये सर्कुलर पार्ट इस तरह से मोशन करेगा, यहां पहुंचेगा, इस टॉप पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड रिड्यूस होती जाएगी, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी इसको बोलूंगा v मिनिमम, और इसको बोलूंगा मैं u मिनिमम। मैं मिनिमम कितनी वेलोसिटी दू, ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, ठीक है, vcm कंप्लीट कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है ये पूरा, तो इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी दी जाए। तो सबसे पहले तो आप v मिनिमम निकालते हैं, टॉप पर इसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है, v मिनिमम कितना होगा और u मिनिमम कितना होगा। तो देखो ये टॉप पे जब पहुंचेगा इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और टेंशन कितनी होगी होगी स्ट्रिंग पर, देखो u मिनिमम चाहिए, तो टेंशन की वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए यहां पर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेंशन भी क्या होता जाएगा, कम होता हुआ जाएगा, अभी टेंशन क्या है मैक्सिमम, तो t भी मिनिमम हो जाएगा। तो जब टॉप पे पहुंचेगा तो टी क्या हो जाएगा मिनिमम, ठीक है, तो टेंशन मिनिमम टी मिनिमम कितना होगा जीरो, यहां पर टेंशन क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है और मुझे कम से कम वैल्यू चाहिए। तो कम से कम कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए यहां पर जो मिनिमम टेंशन होगा वो कितना होना चाहिए जीरो, ठीक है। तो अब इसको अब भी सर्कुलर मोशन कर रहा है ये, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब फोर्स टुवर्ड द सेंटर, इस पॉइंट पर सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज mg। तो fc एट c पॉइंट लिखो, एट पॉइंट c, पॉइंट c पे क्या हो रहा होगा t मिनिमम लग रहा होगा, और t मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी जीरो, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा, दैट इज mg। fc सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv मिनिमम का स्क्वायर, क्योंकि हमें v मिनिमम है, और लेंथ कितनी थी इसकी, रेडियस इसकी r थी, l थी, तो l ले लेंगे यहां पे mg, m से m कैंसिल,
तो मिनिमम वेलोसिटी टॉप पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए ताकि वो कंप्लीट सर्कुलर पाथ करे, दैट इज आएगा रूट जी एल। कितनी वेलोसिटी आएगी टॉप पॉइंट पर, इसकी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए रूट जी एल, तभी ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? कम से कम यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि कंप्लीट सर्कुलर पाथ करे रूट जी एल, तो इतनी वेलोसिटी से टॉप पॉइंट पे चाहिए। तो इतनी वेलोसिटी के लिए यहां पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए मिनिमम, तो हम ए टू सी के लिए लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ए टू सी के लिए लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, कौन कौन सा वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा आपने वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mg लग रहा है नीचे और पार्टिकल जा रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो माइनस mg इंटू 2l, माइनस mg इंटू 2l वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ। टेंशन के कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। किसी भी पॉइंट पे ले लेंगे, टेंशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगी, तो वर्क डन टेंशन के कारण क्या आएगा, जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल की वैल्यू क्या है, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर माइनस के इनिशियल कितना है, हाफ एम यू मिनिमम का स्क्वायर, दैट इज माइनस टू एम जी एल। एम से एम 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 तीनों एम कैंसिल, यहां बचेगा आपके पास माइनस टू जी एल हाफ वी मिनिमम, मुझे निकल ही गया कितना रूट जी एल, तो वी मिनिमम का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके जी एल, और यहां पे कितना आ जाएगा हाफ यू मिनिमम का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, हाफ U मिनिमम का स्क्वायर, ये देखो यहां पर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2GL प्लस हाफ जी एल दैट इज 5/2GL, 5/2GL, 2 से 2 कैंसिल, तो U मिनिमम आएगा आपका अंडर रूट 5GL। तो बॉटम पे इसकी मिनिमम स्पीड रूट 5GL होनी चाहिए, तभी ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा, ठीक है। तो मिनिमम, तो टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कम से कम आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, यू जो होना चाहिए आपका वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 5GL होना चाहिए, तभी वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा, या तो कम से कम इसके बराबर तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो अच्छा है, तो सर्कुलर मोशन करेगा ही करेगा, लेकिन इससे कम होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा।